इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। प्राचीन नगर कांचीपुरम एक ऐसा शहर है जहां पत्थर भी बोलते हैं। खास तौर पे 7वीं सदी के पल्लव राजवंश युग का शहर का सबसे पुराना और मशहूर कैलाशनाथर मंदिर। इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि ये शिल्पकारी का अद्भुत नमूना है। माना जाता है कि यहाँ की शिल्पकारी कई अन्य परंपराओं से प्रभावित रही है। इस मंदिर पर दक्षिण भारत के सबसे महान मंदिर होने की मुहर लगी हुई है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर ने एक बार इस शहर को बर्बाद होने से बचा भी लिया था। हिंदू धर्म के हिसाब से कांचीपुरम की गिनती देश के 7 पवित्र शहरों में होती है, जिनमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, उज्जैन और द्वारका शामिल हैं। पल्लव राजवंश बुनियादी तौर पर आंध्र प्रदेश क्षेत्र से आए थे, लेकिन उन्होंने 3री या 4थी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक उत्तरी तमिलनाडु पर राज किया और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण का काम नरसिम्हावर्मन द्वितीय ने सन 700 में शुरू करवाया था। जैसे जैसे पल्लवों का उत्थान होता गया, वैसे वैसे मंदिर के शिल्प का स्तर बेहतर होता गया। नरसिम्हावर्मन द्वितीय के पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने सामने वाला हिस्सा बनवाया और साथ ही गोपुरम यानी मीनार भी बनवाया। कांची का महान गहना कहे जाने वाले इस मंदिर को पहले राजा सिंहेश्वर गृहम के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे राजसिम्हा का शिव मंदिर कहा जाने लगा, जो नरसिम्हावर्मन के नामों में से एक है। वहां जाने पर एक आकृति जो सबसे ज्यादा दिखाई देती है वो है शेर की। उसकी वजह यह है कि न सिर्फ राजा नरसिम्हावर्मन ने खुद बल्कि पूरे पल्लव राजवंश ने शेर को ही अपने प्रतीक चिन्ह की तरह अपनाया था। कैलाशनाथर मंदिर ग्रेनाइट की बुनियाद पर बालू पत्थर से बनवाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण के मंदिरों में पत्थरों से बनाए जाने वाले ये आरंभिक काल का मंदिर है। इससे पहले मंदिर या तो लकड़ी के या चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे। इस मंदिर से दक्षिण में भारत निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। उसके कई नए और अद्भुत नमूने भी देखने को मिलते हैं। कैलाशनाथर मंदिर अपने आप में एक संपूर्ण मंदिर परिसर है। यहाँ गर्भगृह है, मंडल है, ऊंची चहार दीवारें हैं, प्रवेश द्वार है और गोपुरम या मीनार है। मंडप के खंभों पर एक ही तरह के पौराणिक शेरों की आकृतियां बनी हुई हैं। मंदिर के आसपास पूरे परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। दरअसल यहाँ छोटे छोटे कुल 58 मंदिर बने हैं, जो शिव के विभिन्न रूपों को समर्पित हैं। ये मंदिर परिसर के चार दीवारों के भीतरी तरफ के रास्तों पर आलों के अंदर बने हैं। मुख्य मंदिर में 16 पक्षीय काले ग्रेनाइट पत्थर से बना शिवलिंग है। मंदिर की बाहरी दीवार पर आपको शिव की विभिन्न आकृतियां उकेरी हुई मिलेंगी। मुख्य मंदिर पर भी विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न शिव की कई मुद्राओं को प्रस्तुत किया गया है। गणेश और दुर्गा के साथ ही कई अन्य देवताओं की मूर्ति भी यहां देखी जा सकती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार युद्ध के अवसरों पर यह मंदिर पूरे राज्य के लिए सबसे सुरक्षित स्थान हुआ करता था। यहाँ तमिल ब्राह्मी भाषा में लिखे शिलालेखों से हमें मध्ययुगीन इतिहास का भी पता लगता है। उदाहरण के लिए यहाँ चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य का भी एक शिलालेख है। विक्रमादित्य ने मंदिर निर्माण के 30 साल बाद कांचीपुरम पर विजय हासिल की थी। शिलालेख के मुताबिक वो मंदिर को देखकर इतना अभिभूत हो गए कि उन्होंने पूरे शहर को बर्बाद करने का अपना इरादा बदल दिया। कैलाशनाथर मंदिर में पाए जाने वाले मूर्ति शिल्प बेहद सुंदर हैं, लेकिन मंदिर की कई अद्भुत कलाकृतियों का कहीं पता नहीं चलता। ऐसा माना जाता है कि आज हमें जो महज पत्थर दिखाई दे रहे हैं,
असल में वो कभी चटक रंगों से सजे हुए थे। वो रंगाई सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि मूर्तियां भी रंगी हुई थी। यहाँ की अधिकतर पेंटिंग गुम हो चुकी हैं और इस मंदिर को मरम्मत की सख्त ज़रूरत है। अंदर की दीवारों पर पेंटिंगों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। मूर्तियों पर भी प्लास्टर के निशान दिखाई देते हैं। हालांकि कैलाशनाथर मंदिर दक्षिण में मदुरै की मीनाक्षी मंदिर या रामनाथपुरम के रामनाथ स्वामी मंदिर की तरह बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे पुराना मंदिर है जिसने दूसरों को प्रेरित किया।